अबे यार पीयूष क्यों कर रहा है तू ऐसे? तेरे को एयर पोल्यूशन क्यों करना है इतना? तो गाइस पीयूष बस गाड़ी में सड़ाई जा रहा है, सड़ाई जा रहा है, सड़ाई जा रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हमको जाना है अपनी म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए तीनों भाइयों की, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 8 बजने वाले। वैसे प्लान था सुबह 7 बजे निकलने का, लेकिन रात को लेट हो गया था सोने में क्योंकि एडिट लेट किया था ना। तो अब जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और मैंने पैकिंग भी नहीं किया, पैकिंग भी करते हैं और फिर निकलते हैं। शायद 9 या 10 बजे तक निकलेंगे अब तो। लेकिन शूट तो अपना कल से स्टार्ट है, तो आज आराम से पहुँच जाएंगे जहाँ भी जा रहे हैं। लोकेशन मैं बता नहीं सकता बिकॉज फिर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर हम शूट नहीं कर पाएंगे ना। बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शूट के लिए बिकॉज तीनों भाइयों का गाना आ रहा है। तो भी गाइज मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, बस बाल बनाने हैं। सर्दियों में ना बाल सूखते नहीं है, दिक्कत ये है, फिर ठंड भी लगती है। बाय द वे पैकिंग भी कर लिया मैंने, परांठे एंड चाय आ चुकी है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं फिर साहिल और पीयूष रेडी हुए नहीं हुए। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब पीयूष और साहिल का सीन देखते हैं। भाई हो गए रेडी? पैकिंग सब कुछ रेडी? एक्साइटेड हो? मजा आने वाला है तीनों भाइयों का म्यूजिक वीडियो। मैं तो शूट के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, उसके बाद जब गाना आएगा उसके लिए तो और भी ज्यादा। पहली बार इस कैमरे को भी लेके जा रहा हूँ, होपफुली अच्छे से व्लॉगिंग कर पाऊँ। टूथब्रश भी रख लेते हैं, ये वाला ना। हाँ ठीक है अम्मी, ख्याल रखना, मस्त म्यूजिक वीडियो बनाएंगे, इतनी मस्त। देखना मस्त म्यूजिक वीडियो। इसके बाद फिर फैमिली वाला म्यूजिक वीडियो, इसके बाद फैमिली वाला, जैसे मम्मी भी होगी, पापा जी भी होंगे, अम्मा भी होगी, भी होगी, तो मजा आने वाला है। ठीक है, आराम से जल्दी से मस्त वाला वीडियो आएगा, फिर उसमें अगली बार अम्मा को भी बाबू को भी फीचर करेंगे। ठीक है अम्मा, आराम से। ये क्यों चल रहा है इतना? तू भी चलेगा? चलेगा और चलेगा। शारदा आ गए हैं, कपड़ा वपड़ा लेके गाड़ी साफ कर रही। सच्चे भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, अपने देश से वादा वादा कर लिया हमने। तभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं शुभम का, एक्चुअली साथ में हमारे शुभम भी जा रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा शूट वगैरह करने में, और तीनों भाई के साथ में सही भी रहेगा ना, चौथा भाई। फाइनली आ गया है भाई, 10:30 बज गए भाई, चल बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया निकलने में। यहाँ से है 270 किलोमीटर, तो अराउंड 6 घंटे लगेंगे, तो हम पहुँचेंगे शाम को 4:30 बजे। तो भैया इस रुके एक जगह पर, यहाँ पे कुछ तगड़ा सा दिखा हमको, पता नहीं ये कोसी नदी है और बहुत बड़ा सा एरिया है इधर, जहाँ कुछ दिखता है रुकने के लिए देखने के लिए हम रुक जाते हैं, देखते रहते हैं और चिल करते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब 6 घंटे का रास्ता हम 8 घंटे में कवर करते हैं भाई। मैं बताऊँ कि ऑफ रोडिंग तगड़ी है, यहाँ थार लेके आ सकते हैं। हाँ ये देखिए ये रोड है, भाई फॉर्चुनर भी चली जाएगी। बाकी अब गैस करना, हम जा रहे हैं, जगह भी दिखा दूंगा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे सामने देखो कितने सारे गन्ने जा रहे हैं, एंड शुभम कह रहे हैं इसमें से एक निकालता हूँ मैं, इसमें से एक खाने वाला। अरे खाने लायक लग ही नहीं रहा बिल्कुल, कच्चे हैं आई थिंक ये। तो भैया अभी का सीन ऐसा है, हमने गन्ने वाले से पूछा, वो कह रहे गन्ना ले लो, लेकिन हम रोक नहीं सकते, तो हम सोच रहे कि ऐसे ही ले लेते हैं यहाँ से, शुभम खींच लेगा। सच्ची में ले लिया? थैंक यू अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अच्छा अच्छा भाई, कैसे निकाला बनके। तो ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं हम पेट्रोल डलवाने के लिए, और ये गन्ना छील रहे हैं। ओ भाई बहुत ही बड़ा है ये, तूने कैसे यही लगा हाथ में? मीठा है क्या? बहुत सही, नई गाड़ी है, रस मत टपकाना बस। अरे भाई ये तो टायर उठे पड़े ऊपर, अरे ये तो रॉन्ग साइड जा रही है, गाड़ी में मारेगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इनको देख के डर लग रहा है मुझे तो, साइड में मारना नहीं। ये रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? चल जो राइट साइड आ जाए। तो भाई सामने देखो कितना मस्त लग रहा है, इधर भी पता नहीं ये पेड़ है, इधर भी पेड़ टाइप के हैं, और क्या मस्त रोड लग रही है, मतलब मजा आ रहा है चलाने में, मतलब ये ट्रिप मजा आ रहा है पूरा, पता ही नहीं चल रहा है। 93 किलोमीटर रह गए बस, 2 घंटे का रास्ता रह गया और हमने कुछ खाया भी नहीं रास्ते में, बस गन्ना खाया था, वो भी आपने देखा किस तरह से खाया हमने, मेरा उठाया, और गन्ने आ रहे, देखो सामने भी गन्ना ही है। आई थिंक हम किसी गाँव में घुस गए हैं, ये गूगल मैप कहीं भी घुसा देता है, लेकिन रास्ता प्यारा था, टाइम ज्यादा लग गया हमको पहुंचने में। हम हाईवे पे नहीं, देखो ये हाईवे थोड़ा है। अरे भाइयों हटो हटो हटो, अबे यार पीयूष क्यों कर रहा है तू ऐसे? तेरे को एयर पोल्यूशन क्यों करना है इतना? तो गाइस पीयूष बस गाड़ी में सड़ाई जा रहा है, पूरी गाड़ी के अंदर इसने बदबू करके रख दी है, खिड़की खोलनी पड़ रही है, खिड़की खोलनी पड़ रही है हमको, और खिड़की खोलने से फिर ठंड लग रही है।
और गाड़ी के अंदर बासी बास हो गई है। फॉर्च्यूनर गटर बन गई बेटा, बंदर आएगा। तो अभी गाइस चलते चलते हम पहाड़ पे पहुंच गए, लेकिन हमको पता नहीं है कौन से पहाड़ हैं। आई थिंक हरिद्वार पहुंचे हम, काफी लोग गैस कर लेंगे वैसे कहां जा रहे हैं हम। तो ये लेफ्ट में राइट में पूरी गंगा नदी है। तो अभी गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बता नहीं सकते कहां पे आए हैं, लेकिन गाड़ी पार्क हो रही है हमारी, तो होटल रूम पे पहुंच गए। होटल भी नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है हमको। तो फिलहाल सामान निकाल लिया है गाड़ी से, अब चलते हैं ऊपर चेक इन करते हैं। और भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं हमने, कहीं रुके नहीं, को जल्दी पहुंचना था ना, लेकिन फिर भी 4 बज गए हमको, काफ़ी लेट हो गए। तो भी चेक इन करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है। पीयूष कहाँ गया? अरे पीयूष के लिए तो रुक जाए, वो वॉशरूम आते ही वॉशरूम चला गया। तो फाइनली होटल रूम पे पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और सबसे पहले तो खाना मंगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अपने को तो बस दाल चावल मिल जाए वही काफ़ी है। सबसे पहले तो हम आपको रूम टूर दे देते हैं होटल का, कैसा है। यहाँ से स्टार्ट होता हमारा होटल और कैमरों सेट करो। छुपा क्यों रहे? नाम लिख रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, ले नीचे कर दिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका डोर, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर आता है मेन वॉशरूम। तो वॉशरूम भी मस्त है भाई, ड्रायर सब यहाँ पर, शीशा भी है। और बस अब चलते हैं भाई, नहाना है। हाँ तो नहा तो गए यार, पक्का ना? शूट यार, नहाना तो पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक शीशा, और उसके बाद यहाँ पर खाने पीने का माल पहले से देखा है। और होटल्स के फ्रिज खाली रहते, लेकिन ये देखो पानी सोडा, रात को एडिटिंग के लिए काम आएगा रेड बुल। और यहाँ पर एक अलमारी जिसमें है प्रेस वैस है। और यहाँ पर एक प्यारा सा बेड क्योंकि काफी गुदगुदा है। और यहाँ पर एक टीवी क्योंकि भाई पढ़ नहीं रहा तो रात इसी से गुजारेंगे एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करने के लिए टेबल। और यहाँ पर एक प्यारा सा व्यू, जहाँ पर से यहाँ का स्विमिंग पूल का व्यू दिखता है, बस इतना ही दिखाएंगे। तो अभी हमारा प्लान है खाना खाने के लिए हम बाहर ही जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मंगा लिया ना फिर गंदा हो जाएगा पूरा रूम। सही किया जो खाने के लिए हम नीचे आ गए, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इधर बैठ। तो अभी खाने के लिए तो बैठ गए हैं, और आई थिंक अभी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नहीं आए हैं, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतने हम खाना तो खा ही लेते हैं, ये क्या है। सुबह हमको निकलने में काफ़ी लेट हो गई थी, बट फिर भी हम टाइम से पहुँच गए हैं, लेकिन कल हमारा शूट है। एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। नर्वस नहीं? चलो बढ़िया। मैं तो फर्स्ट टाइम में बहुत नर्वस था, सिर्फ मैं ही होता हूँ नर्वस, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत डर जैसा, थोड़ा नर्वसनेस जैसा लग रहा है, इनको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। तो अभी इतनी भूख लगी थी, उन्होंने पापड़ दिया, 2 मिनट में खा लिया उन्होंने सारे के सारे। तुम कैसे पहुँच गए यहाँ भाई? जहाँ हम जाते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आने में? करने क्या आए हो ये तो बताओ। घूमने आए। तो अभी एक मैम आई और वो पुरानी वाली प्लेट रख के दूसरी प्लेट रख गई यहाँ पर पापड़ों की। भाई इसी से पेट भर लो भाई, ये लग रहा है। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, मस्त दाल चावल खाएंगे। तो इतनी देर खाने का वेट करना वर्थ था, रोटी काफ़ी मस्त हो रही है, एकदम घर वाली। तो अभी खाना पीना हो चुका है मस्त, और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं होटल को, और यहाँ पूल के पास आए हैं। गर्मियों का टाइम होता ना, पक्का अभी कूद जाता, बहुत ही प्यारा लग रहा है लिटरली, क्योंकि बहुत बड़ा भी है ना ये। क्या देख रहा है भाई? तो भी फाइनली डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी आ चुके हैं, तो चलो उनसे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं गाने के बारे में, स्क्रिप्टिंग वगैरह क्या है सब कुछ, और आपको मिलाता हूँ। तो फाइनली हमारे प्रोड्यूसर विनीत भाई, आपने पहले भी देखा होगा, और डायरेक्टर अभी आ रहे हैं, डायरेक्टर नीचे ही है, डायरेक्टर नीचे ही है। फाइनली पीयूष आ गया, साहिल आ गया, शुभम आ गया। तो मजा आने वाला है कल, तीनों भाइयों का गाना शूट होगा, और हमने सुन भी लिया है फाइनल, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल गाइस हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, स्क्रिप्टिंग वगैरह काफी मस्त स्टोरी है गाने की। फिलहाल चलते हैं बाहर, डिनर वगैरह करेंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे, क्योंकि कल से तो 2 दिन शूट है, तो काफी हेक्टिक डे रहने वाले दोनों के दोनों दिन। तो अभी सभी के सभी नीचे आ गए हैं, जल्दी से निकलते हैं गाड़ी में, ठंड लग रही क्या? तो गाइस इनको यहाँ पे कोयले मिल गए हैं, और ये देखो यहाँ पे सभी के सभी हाथ सेक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऑर्डर हमने कर दिया है, इन्होंने तो यहाँ पे प्रॉपर आग जला ली है और मस्त हाथ सेक रहे हैं। आज फाइनली पीयूष रोटी सब्जी खा रहा है। तो भी रात के बज गए 11:23, और अब हम खा पी के आ चुके हैं, अब मुझे जाके एडिटिंग भी करनी है, और सुबह सुबह उनको 5 बजे उठना है क्योंकि 6 बजे निकलना है शूट के लिए। तो जल्दी से होटल चलते हैं और जाके एडिटिंग करता हूँ मैं।
तो अभी रात के 1 बज गए एंड फाइनली एडिटिंग कंप्लीट कर लिया मैंने, बट एक प्रॉब्लम हो रही है, होटल का वाईफाई बहुत बेकार है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही है, देखना 2 MB की, 1 MB की स्पीड दिखा रहा है, ऐसे तो मेरी वीडियो सुबह तक भी अपलोड नहीं होगी। अब देखते हैं क्या करना है, बाहर जाके कहीं जाके करूँगा मैं, तो चलो जैसे तैसे करके मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आई थिंक 2 बजे तक सोऊंगा मैं, सुबह 5 बजे उठना भी, 6 बजे कह रहे थे निकलना है शूट के लिए, अब चैन की नींद आएगी, अगर सुबह 1-2 घंटा लेट भी उठूंगा तो चलेगा, लेकिन व्लॉग लेट नहीं होना चाहिए। बाय द वे काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले हैं और 2 दिन तो काफ़ी हेक्टिक होने वाले हैं, कल भी शूट है, परसों भी शूट है, पूरा पूरा दिन शूट होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे ना मज़ा आता है, मतलब जो हेक्टिक डे होते हैं ना, पूरा दिन काम करना हो, रात को एडिट करना हो, तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। साहिल और पीयूष तो सो चुके हैं, वो तो आते ही सो गए थे बिकॉज थक गए थे ना, बट मुझे एडिट करना था, मैंने कर लिया फाइनली, मैं भी 2 बजे तक सो जाऊंगा। तो व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई क्या हो गया, क्या हो गया, भाई इतनी 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 ठंड भी नहीं हो रही है, इतनी नौटंकी मत करो भाई, इतनी ठंड भी नहीं हो रही है।